हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। तो जैसा कि मैंने बताया था गाइस आप लोगों को कि स्पीकिंग इंग्लिश की जहां तक बात होती है, हमारे सामने इंग्लिश के वर्ड आते ही हम ऐसे हेजिटेट होते हैं, ऐसे लगता है कि किसी अजायब घर में ला के रख दिया गया हो, किसी चिड़ियाघर में शेर के सामने छोड़ दिया गया हो, कि हमें तो आता ही नहीं, हम कैसे बोलेंगे, कैसे फेस करेंगे, क्या होगा मेरा, कैसे मैं इनको फेस कर पाऊँगा। तो गाइज मैंने कहा था ना कि इंग्लिश इज़ ईजियर देन ऑल सब्जेक्ट्स। इंग्लिश को मैं आपके सामने इतना ईजी कर दूंगा, आपके सामने इतना ईजी होगा इंग्लिश कि उससे ईजी सब्जेक्ट तो आपके सामने होगा ही नहीं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब हम वाक्य को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें टेंस में आता था। तो पिछले में हमने टेंस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया है, लेकिन आज हम लोग टेंस की ही बातें करेंगे। कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं, किसी के सामने अपने वीप्स को रखना शुरू करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो लोग हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं कि डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ अस अदरवाइज आई विल चेक आउट दैट व्हाट्स योर फुटिंग। तो दे आर आस्किंग सच टाइप ऑफ क्रिटिकल सेंटेंसेज विच इज़ गोइंग टू ब्लफ अस। वो ऐसे क्रिटिकल सेंटेंस दो चार सोच के रखते हैं अपने दिमाग में कि आपके सामने ऐसे सेंटेंस रख दें ताकि आप बोल ही ना पाओ, और जब बोल नहीं पाओगे तो आपके अंदर एक डर बन जाएगा, एक फियर बनेगा कि आप अपनी फीलिंग को किसी के सामने एक्सप्रेस ना कर पाओ। तो वो किस तरह के क्रिटिकल चीज़ें आपके सामने रख सकते हैं, कौन कौन सी बातें आपसे पूछ सकते हैं, किस तरह से आपसे डिस्कशन कर सकते हैं, आपको ब्लफ करने की कोशिश कर सकते हैं, आज हम उस तरह के सेंटेंसेज आपको बताने वाले हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, किसी के सामने बात करना शुरू करते हैं, तो वो कुछ सोचा समझा सेंटेंस दिमाग में रखे रहते हैं। जैसे कहते हैं सांप सरकते सरकते सरबत में चला गया, फिर समस्या आती है कि चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। तो ऐसे सेंटेंसेस हम जब सुनते हैं तो हमको लगता है कि इस तरह के सेंटेंस होते ही नहीं है। होते हैं गाइज, ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, लेकिन जो पूछते हैं वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, शॉक करने के लिए, ताकि आप उनके सामने अपने प्रश्न को ना पूछ सको, उनके सामने अपनी फीलिंग्स को ना व्यक्त कर सको। लेकिन इट्स अ चैलेंज, इफ यू आर जस्ट ज्वाइन अस डेफिनेटली आई विल कीप दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अवे फ्रॉम यू। अगर आपके पास ऐसी समस्याएं हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये मेरा चैलेंज है कि इस तरह की समस्याओं को मैं रूट आउट करूंगा, जड़ से निकाल के आप फेंक देंगे, आपको ऐसी समस्याएं आएंगी ही नहीं। तो आज हम लोग टॉकिंग करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे व्हाइल। वैसे तो व्हाइल का यूज हम तीन प्रकार से करते हैं, तो आज हम पहले उसी क्रिटिकल पोजिशन को पढ़ लेते हैं गाइज, जिसमें हमें लोग अक्सर डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, सबसे पहले आप दो पार्ट के सेंटेंसेज आते हैं, जैसे सांप सरकते सरकते, उसके बाद क्या करते हैं सरपत में चला गया। तो जो संख्या, जो भी शब्द रिपीटेबल होता है, जिसको हम दो दो बार दोहराते हैं, वही सेंटेंस, वही वर्ड जो आपका होता है सेंटेंस में, वाइल के तुरंत बाद क्रिया का काम करता है। जैसे मैंने क्या कहा, सांप सरकते सरकते सरपत में चला गया, तो सरकते सरकते दो बार आया ना, यानी कि सरकना क्या है, आपकी क्रिया हो गई। खेलते खेलते वह गिर पड़ा, तो खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो जो भी वर्ड दो बार एक ही वाक्य में दो बार रिपीट किए जाते हैं, उन वर्डों के सामने हम क्या करते हैं, वाइल का प्रयोग कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है आपका वाइल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, उसके बाद क्या करते हैं, बाकी सेंटेंस जो आपको बचता है उसे हम टेंस में सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कहा, खेलते खेलते वह गिर पड़ा, ओके गाइस, सेंटेंस बना आपके सामने, खेलते खेलते वह गिर पड़ा। यहाँ देखिए दो बार आया खेलते खेलते, लेकिन अगला सेंटेंस क्या है, वह गिर पड़ा एक कंप्लीट सेंटेंस है। जब कंप्लीट सेंटेंस होता है तो हम कंप्लीट सेंटेंस को भी लिखते हैं, तो हम इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को वाक्य में पहले भी लिख सकते हैं या इस सेंटेंस को करने के बाद भी लिख सकते हैं। तो पहले हमारे सामने खेलना आया है, इसलिए सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होता है, खेलते खेलते, तो हो जाएगा वाइल क्या, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, तो वाइल प्लेइंग, खेलते खेलते वह गिर पड़ा, कौन गिर पड़ा, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, गिरने की इंग्लिश क्या होती है, फेल, फेल का सेकंड फॉर्म होता है फॉल, ही फॉल डाउन, ठीक है, वाइल प्लेइंग ही फॉल डाउन, ठीक है। जैसे हंसते हंसते वह बेहोश हो गया, ओके
ओके गाइस, हंसते हंसते वह बेहोश हो गया। देखिए यहाँ पर भी दो बार आया, हंसते हंसते वह बेहोश हो गया, कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन हंसते हंसते क्या हुआ पता नहीं है ना। तो सबसे पहले हम इसी के साथ क्या करते हैं, वाइल को यूज करते हैं। तो वाइल, फिर हंसते हंसते, हंसने की इंग्लिश क्या होती है, हंसने की इंग्लिश क्या होती है गाइस, लाफ, लाफ होती है ना। तो लाफ में क्या करेंगे, आई एन जी, वाइल लाफिंग, हंसते हुए वह बेहोश हो गया। ही क्या हो गया, बीकेम, या बेहोश होने की इंग्लिश क्या हो जाती है, फैंटेड। फैंटेड आपने पढ़ा होगा, अगर बुक में पढ़ा होगा, वाइल लाफिंग ही फैंटेड। जैसे आपके सामने सेंटेंस आ जाता है कि झाड़ू लगाते हुए, मुझे 2 रुपए का नोट मिला, ओके गाइस, क्या हो गया कि झाड़ू लगाते हुए मुझे 2 रुपए का नोट मिला। तो झाड़ू लगाते हुए तो हो जाएगा क्या, वाइल स्वीपिंग, क्या वाइल स्वीपिंग क्या हो जाता है, मुझे आई, अब मिला मतलब गेट, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, आई गॉट क्या पा रहा हूं मैं, 2 रुपीज नोट, आई गॉट 2 रुपीज नोट, है ना गाइस। अब देखिए ऐसा सेंटेंस आ जाता है, अभी देखिए हमने यहाँ क्या बताया था, हंसते हंसते यहाँ खेलते खेलते, लेकिन यहाँ तो नहीं आया आपका झाड़ू लगाते लगाते, ऐसा तो नहीं आया। तो यहाँ पर वाइल लग गया है सेंटेंस में, मैं तो लगता है कि ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो 2 बार क्रिया हुई नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है गाइस, आप नोट में लिख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि खेलते हुए, पढ़ते हुए, दौड़ते हुए, बोलते हुए भी शब्द आ जाते हैं। जैसे खेलते हुए, हंसते हुए, पढ़ते हुए आदि, ठीक है। अगर ऐसे वर्ड आ जाए, खेलते हुए मुझे 2 रुपए का नोट मिला, चलते हुए वह गिर पड़ा, ठीक है, पढ़ते पढ़ते सो गया, या पढ़ते हुए वह सो गया, ठीक है, इस तरीके के वर्ड अगर आपके आ जाते हैं सेंटेंस में, तो भी आप बिना सोचे समझे जान लीजिएगा कि सेंटेंस आपका कौन सा है, वाइल का ही है, क्योंकि काम इसमें भी लगातार ही हो रहा है, जारी अवस्था में बताया जाता है। कैसे, कि खेलते हुए वह गिर पड़ा, जब वह खेल रहा था तब गिर पड़ा, ऐसा नहीं कि गिरने के बाद खेला, खेल रहा था तो गिर पड़ा, तो खेलते हुए वह गिर पड़ा। ऐसे सेंटेंसेस भी अगर आते हैं, ऐसे वर्ड भी आपके आ जाते हैं सेंटेंस में, तो भी वाक्य कौन सा होता है, वाइल का होता है। तो इज दैट क्लियर, ऐसे डाउट्स आपके सामने आएंगे तो आप कर सकते हैं, है ना, डेफिनेटली यू कैन डू, जस्ट ओनली बी कॉन्फिडेंट। आई हैव टोल्ड दैट यू हैव टू स्पीक एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन, वी हैव टू स्पीक बेटर, हमें आपको बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के लाजवाब स्पीकिंग करनी है, एकदम शानदार स्पीकिंग करनी है, लोगों को लगना चाहिए कि समवन इज स्पेशल इन फ्रंट ऑफ देम। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर अपने आप पर विश्वास करने की क्षमता हो, आपको अपने आप को जानने की क्षमता हो, आप अपने आप में एक्साइटेड हो कि आई कैन डू, व्हाई आई कांट डू इफ ही कैन, अगर वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। जिस दिन आपके दिमाग में यह सवाल उठ गया, तो डेफिनेटली गाइज नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट यू अ गुड स्पीकर, आपको कोई भी अच्छा स्पीकर बनने से रोक नहीं सकता है। तो आपको ये सेंटेंसेस बोले गए, चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस एक्सरसाइज के लिए ऐसे ही आपको वीडियो में बोल देता हूं, आप उसको पॉज करके, रोक करके, आप अपना जो है उसको लिख करके खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए फूल झड़ते झड़ते झड़ गए, ठीक है, अब इसके पहले मैंने बताया था सांप सरकते सरकते सरपत में चला गया, ठीक है, हंसते हंसते वह बेहोश हो गया, पढ़ते पढ़ते मैं गिर पड़ा, पढ़ते पढ़ते मैं गिर पड़ा, दौड़ते दौड़ते वह यहाँ आया, चलते चलते मैं सोचा, हमने कितनी बार बताया आपको, जितनी बार आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, जितना इस पर मेहनत करोगे, आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना ही ईजी होगा आपका वर्ड, आपका सेंटेंस, आपकी एक्सप्रेशन, जितने जल्दी आप इसको अपने प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करोगे उतना बेटर होगा गाइस। तो आपका ये यूज हो गया, चलिए एक यूज और अपडेट करते हैं आपके लिए, चलते हैं एक दूसरे यूज की तरफ। मैंने आपको बार बार कहा ना कि यू विल हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, आपके सामने ये वर्ड बार बार आ रहा है, हैव टू, विल हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नॉर्मल एंड कॉमन यूज, जिसको आप जानते तो हैं लेकिन यूज कहां करना चाहिए आप नहीं जान पाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज टू, एम टू और आर टू।
ठीक है। नाउ जस्ट माइंड अबाउट दैट इज एम आर, इज एम आर किस टेंस की सहायक क्रिया गाइस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ना। लेकिन जैसे ही वर्ब टू का प्रयोग इसमें हो जाता है, जैसे इन्फिनिटिव टू इसमें जुड़ जाता है, तब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना हो करके यह प्रेजेंट सिंपल हो जाता है, जिसमें हम किसी चीज को करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। जैसे आपके सामने कोई अंग्रेजी बोल रहा हो, आपको नहीं आता है, तो आपके दिमाग में आता है यार कैसे अंग्रेजी बोले, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मुझे खेलना है, उसे सीखना है, मुझे पढ़ाना है, ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में उठना शुरू हो जाते हैं ना। तो जहां पर ना है नी है के भाव आ जाए, ना है और नी है, ने हैं, ऐसे वर्ड आपके दिमाग में आ जाएं, तो वहां पर आप समझ लीजिएगा कि इज एम आर के साथ में टू को जोड़ देना है। अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे आप, तो स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज टू, एम टू प्लस आर टू, आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। मैंने क्या बताया था गाइस आपको, पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको वीडियो मिल जाएगी, आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए इज के बाद टू लगा हुआ है, तो टू क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, और जब वाक्य में इन्फिनिटिव प्रयोग किया गया हो, उसके बाद किसी क्रिया का प्रयोग हो, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ing फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मुझे माला बनाना है, ठीक है, मुझे माला बनाना है, तो किसे बनाना है भैया? मुझे, मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई, आई के साथ क्या लगता है? एम टू, आई एम टू। बनाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक हो जाती है, आई एम टू मेक। क्या बना रहे हैं? गारलैंड, आई एम टू मेक गारलैंड। ठीक है, जैसे आपको उसकी किताब नहीं चुराना है, आपको इसकी किताब नहीं चुराना, चुराना है, ठीक है, आपको उसकी किताब नहीं चुराना है, किसको नहीं चुराना है? आपको। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू, यू के साथ क्या लगता है? आर, क्योंकि अब निगेटिव वर्ड आ गया है, तो आर के बाद नॉट, यू आर नॉट टू। करना क्या है? चुराना है, चुराने की इंग्लिश क्या होती है? स्टिल, वेरी गुड, यू आर नॉट टू स्टिल, क्या? उसकी किताब, यू आर नॉट टू स्टिल हिज बुक, ठीक है, क्या? छात्रों को, क्या छात्रों को धूम्रपान करना है? क्या छात्रों को धूम्रपान करना है? क्या छात्रों को धूम्रपान करना है? तो क्या सबसे पहले आ गया है, इसलिए क्या लग जाएगा? आर लगेगा, आर के बाद क्या? छात्रों, छात्रों की इंग्लिश क्या होती है? स्टूडेंट, आर स्टूडेंट्स टू। क्या करना है भैया? धूम्रपान करना है, धूम्रपान की इंग्लिश क्या होती है? स्मोक, आर स्टूडेंट टू स्मोक, आर स्टूडेंट टू स्मोक, ठीक है। जैसे मुझे नदी में पत्थर क्यों नहीं फेंकना है, ठीक है, मुझे नदी में पत्थर क्यों नहीं फेंकना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है? Why। अब उसके बाद मुझे, मैंने क्या बताया था, देखिए सबसे पहले मुझे लगाया गया ना, मुझे के साथ लगता है am, वाई एम आई, फिर निगेटिव वर्ड है, तो नॉट टू क्या करना है? फेंकना है, फेंकने की इंग्लिश क्या होती है गाइस? थ्रो। वाई, वाई एम आई नॉट टू थ्रो, क्या थ्रो कर रहे हैं? पत्थर, पत्थर की इंग्लिश क्या होती है? स्टोन। वाई एम आई नॉट टू थ्रो स्टोन, कहाँ पर? इनटू द रिवर, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब गाइस आप लोगों को अगर श्योर्ड करना है,
समझ में आ गया होगा, हमें लगता है कि आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं तब तक आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है। मैंने पहले भी बताया कि इंग्लिश इज एज इजियर एज नन मिस्टर एज इजियर एज हिंदी एज आवर मदर टंग। हम हिंदी में बातचीत करने में हिचकते हैं, कोई भी बात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी से बात करना हो, हम आसानी से बोल पाते हैं ना। तो इम्पॉर्टेंट इज दैट गाइस कि जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू करो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस पर फोकस करो, समझ लो, कुछ सेंटेंसेज अपने आप से बनाओ, कुछ की प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। तो कामयाब होने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप बस चलना शुरू करो, आप चलना शुरू करो। इट्स माई चैलेंज, आई विल गेट यू रन, आई विल गेट यू रन। इट मीन्स इफ यू विल बिगिन टू स्पीक आई विल मेक यू अ गुड स्पीकर। आप सिर्फ बोलने का प्रयास तो करो, मैं आपको सबसे अच्छा वक्ता बना के दिखाऊंगा। दैट्स अ चैलेंज। लेकिन तभी जब आप अपनी तरफ से बोलने का प्रयास करोगे, तब विथ दिस होप, विथ दिस कॉन्फिडेंस दैट आफ्टर टूडे यू विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज एंड यू विल ट्राई टू डू प्रैक्टिस। सो फॉर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर डूइंग योर एक्सरसाइज and since then too, good day, have a nice day, we will meet us together, we will meet once again in class, since then, good night and take care of yourself.